अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम इकरा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी, चिकन फ्राइड राइस। इसकी प्रिपरेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसे पकाना जो है वो बिल्कुल आसान है। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं ये चावल, तकरीबन 3 पाव चावल हैं, आधे घंटे के लिए भिगो दिए हैं। 1.5 पाव चिकन, इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेने हैं, या आप थोड़ी सी लंबी स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं। 5 एग हैं, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक और 2 चुटकी काली मिर्च डाल के अच्छे से बीट कर लिया है। ये मेरे पास सॉसेस हैं, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, ये कुटा हुआ अदरक लहसुन है 2 चम्मच, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट अगर अवेलेबल ना हो तो आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, ये कुछ सब्ज़ियाँ हैं, बंद गोभी, गाजर, ये इस तरह से आपने थोड़ा लंबा लंबा सा काट लेना है इनको, शिमला मिर्च और ये मटर, 1/2 किलो मटर हैं, 1.5 पाव शिमला मिर्च, 1/2 किलो गाजर और ये बंद गोभी का एक छोटा फूल। चले आए तो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चावल जो है वो बॉईल कर लेने हैं पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में हम अपनी वेजिटेबल्स और चिकन को पकाएंगे। जी व्यूअर्स, तो एक देचकी में 8 गिलास पानी लेके उसे बॉईल आने तक पकाएंगे। आपने उसमें 2 चम्मच जो है वो नमक शामिल करने हैं। जब पानी पकने लग जाएगा तो फिर हम उसमें चावल डाल देंगे और चावलों को बॉईल करेंगे। 1 कन्नी रख के आपने बॉईल करना है। जी व्यूअर्स, तो ये देखे पानी पकना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें चावल बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं। 1 कनी रख के आपने बॉयल कर लेने, अब मैं इन्हें छान लेती हूँ। चलें जी, अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, मीडियम फ्लेम ऑन करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून। जी ऑयल जो है ये गर्म हो गया, अब इसमें ये मेरे पास जो एग थे 5 एग, ये मैं इसमें डालूँगी और इनको पकाने के बाद मैं किसी प्लेट में निकाल लूँगी। अंडे डालने के बाद आपने इतने हिलाते रहना है। जी तो ये देखें अंडे अच्छे से पक गए हैं, अब मैं इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। हाँ जी, इसी कढ़ाई में मैं 1 कप ऑयल डालूँगी और ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये डाल के थोड़ा सा पकाऊंगी। 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। मैंने चिकन बॉयल नहीं किया, इसी तरह से इसे पकाएंगे, इससे इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा आता है। जी चिकन जो है वो मेरा पक गया है, अब इसमें मैं गाजरें डाल दूँगी। गाजर मैंने इसलिए पहले डाली है क्योंकि ये सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, बाकी शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है वो तो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती हैं। जी गाजरें देखें सॉफ्ट हो गई हैं, अब मैं इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी डालूँगी और ये मटर भी डाल दूँगी। इन्हें मैंने 1/2 बॉईल कर लिया है, आप पहले से भी करके रख सकते हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसमें अपने मसाले और सॉसेज ऐड कर देंगे, चाइनीज़ नमक, नमक, काली मिर्च, चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस। जी तो ये देखें सब्जियां बहुत अच्छे से पक गई हैं और चिकन भी, अब हम दम पे रखते हैं इन्हें चावलों में डाल के।
जी ये बॉईल किए हुए चावल डाल देंगे इसमें। आंच मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, अब मैं इसे ढक के 5 मिनट के लिए दम दूंगी। एग डालना भूल गई थी तो ये मैं एग भी यहाँ पे डाल दूँ। जी व्यूअर्स, तो 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने दम को खो लेते हैं। जी देखें कितने अच्छे मज़ेदार से हमारे चिकन फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी।